लग जे जीवन लेखे सतगुर लग जे जी, लग जे जीवन लेखे सतगुर लग जे जी, लग जे जीवन लेखे सतगुर लग जे जी, लग जे जीवन लेखे सतगुर लग जे जी। शब्द पढ़िया गया है लग जे जीवन लेखे सतगुर लग जे जी। कल आपने विचार की सी भाई जीवन लेखे बिच किमें लगता है, उमर बिच लेखे दे जो याद साई दी बिच गुजरे पैंदी मुजरे, नहीं तो इस विचों हासिल की है। साई घड़ी सुलखणी सौनाल वेहावै धन सवेड़ा। ठीक कर दे बई बात धन सवेड़ा घड़ी धन धन मूर्त पलसार, धन स दिवस संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार। स गुरु दे लेखे दे विच जीवन लाण दे लई महाराज कहिंदे मुरदा होए मरीद ना गली होवना, सावर सिदक शहीद भरम पाख होवना, गोला मुल खरीद कारे जवना, ना तिस भुख ना नींद ना खाणा सोवना। ये उहदे गुण हुंदे ने, भुख भी खत्म नींद भी खत्म। ते प्यार वालियां दियां विचारां ही होर हुंदियां ने। लागी होए सजाणे पीर राम भगत अणियाले तीर, पर जिहदे ते किरपा वरतदी है उहनू प्यार लगदा है। इह अपने आप नहीं लगदा, दुनियावी प्यार लग जांदे ने। गुरु दा प्यार, गुरु ते शरदा, इह उहदी किरपा दे नाल अपनी शरदा आप लैंदा, अपना प्यार आप लैंदा। अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचा सब कोय, ए पिरम प्याला खसम का जय भावे तह दे। सो सिख दे आपां सारी बने हुए हाँ, मत्था टेकण वाले बहुते हाँ, पर जिहड़ा हिरदे का प्यार है जिहड़ा अंदर बस गया, जिहदे बारे महाराज कहिंदे ने नानक जिन कै हिरदे बसिया मोक मुक्त तिन पाया। जिनकै हिरदे नाहे हर स्वामी ते ब्रग बिगड़ रूप ब्रखटी, जौन गुरां बा बातां जाने हा दरगाह प्रष्टि। जिन हर हिरदे नाम ना बस्यो तिन मात कीजे हर वांझा। एक पासे भी हिरदे विच गुरु दा प्यार वस गया, एक है भी उहीं मत्था टेकिया बा छुट्टियां जी नहीं, अंदर बसाओ। गुर सिखी दा मनणा गुर बचनी गल हार परोवै, हार मंगू परौने बचन गुरु दे अंदर। ऐसे मैं एक प्यार दी विचार आपदे नाल सांझी करांगा, जे तो पता लगेगा भी हाँ ऐ प्यार ते ऐ सेवा ते सतगुरु खुश हुंदा है। आपां गुरु कलगीधर दे प्यार नूं याद करदे हाँ। अज मेरे सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी पौंटा साहिब दी धरती नूं भाग ला रहे ने, जिथे गुरु पातशाह जी ने ग्रंथ लिखे रामायण दे लत्थे कराए ते गीता दे लत्थे कराए, बहुत कृपा वरती, कवियां नूं बड़े बड़े इनाम बख्शे। मंगल कवि वर्गियां नूं जदों तोरिया सी 200 घोड़ सवार लैके सरोपे दे के तोरिया सी, यानी सतगुरु ने बहुत सत्कार कीता। अज वो इलाका है ते रायपुर दी राणी दे इलाके दे विच एक दो प्रेमी बसदे ने, पति ते पत्नी दा जोड़ा है। पति दा नाम सोहना है, बीबी दा नाम मोहना है। ते कोई किरपा बनी भाग जागे पुन बधे, एक बरागी फकीर दे नाल मिलाप हो गया। उन्हें इन्हों अमृत वेले उठन दे लाया,
इशनान करन दे लई समझाया, ठाकरां दी पूजा दे लई समझाया कि ठाकरां नूं भोग लवाना है, धूपां तखाउणियां ने या सत्कार करना है। वो आप कर्म काढ़ी सी, पत्थरां दी पूजा करन वाला सी ते पत्थरां दी पूजा दे लई भाई सोहना ते मोहना लग जांदे ने। पहला पहला खुशक ज्ञान है, फिर रस आउण लग पिया। धन्ने ने पत्थर जो रब पा लिया सी, पर रब ने दस दिता कहिंदे धन्या मैं पत्थरां विच नहीं, मैं तां हर मनुख दे हिरदे च वसदा हुंना, पूरे गुरु की कृपा दे नाल मैं अंदरों ही मिलदा हाँ। दुनिया मैनूं पत्थरां च वसाई फिरदी है, पर बे आ दुनिया है जिहड़ी पत्थरां दी पूजा करदी है। पर सतगुरु की बाणी के फैसले ने, जो पाथर की पाई पाए तिस की घाल अजाई जाए, जो पाथर को कहते देवता की बिरथा होवे सेव, काहे को पूजत पहन को पास पहन मैं परमेश्वर नाही, को बतान को पूजत पास को मृतान को पूजन तायो, कोर किरिया उर जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। भगत कबीर जी कहते पत्थरां की पूजा करने वाले जो तुम पत्थरां ने पूजना, मैं पहाड़ में मत्था टेकूंगा, वो भी सारी पत्थरे पत्थर ने तो मैं पूजू पहाड़। तो एक शब्द में महाराज ऐसा भी कहते हैं कि ब्राह्मण लोग ने गल दे विच एक पत्थर लमका लेंदे ने खास किस्म का, उन्होंने कहें ठाकर है रब है, पर महाराज बाणी का फैसला कहते घर में ठाकर नजर ना आवे, गल में पहाण लै लटकावे। एक पत्थर का टुकड़ा गल च लमकई फिर साढ़ा इतने भी लमकई फिर हमारा, कहते अंदर वहदा रब नजरे नहीं आ रहा, गल में पहाण लै लटकावे, जिस पहाण को ठाकर कहता वह पहाण लै उसको डुबता, जिन्हों रब करके मनिया सी वह पत्थर उन्होंने लै डुबया। एक शाद विच मार कहते अन्ना हो गया, गूंगा हो गया, तू बोला हो गया, मूर्ख हो गया, क्यों पत्थरां नूं पूजदा, आंधे गूंगे अंध अंधार पात्र ले पूजा मुक्त गवार, ओजे आप डुबे तुम कहाँ तारनार। आ मैं परसों जिते दवान शुरू करना जो समाग होना सीगा, मैं एक प्रेमी टैलीफोन मारिया, मैं क्या भी बच्चे ने सेवा करनी आए, कहिंदा जी सतियां की पूजा करन गए ने। मैं क्या सतियां का जन्म कित्थे होया सी, उन्हां दी माँ किहड़ी सी, प्यो किहड़ा सी, पता उन्हां नूं? मैं क्या गुरु ने तां मना करिया, सतियां ये ना आखियां जो मड़ियां लग जलान, भीसो सतियां जाणियां जे बिरहा चोट मरन, की है उन्हां नूं सतियां मन बैठे जिहड़ियां कुखां विच मारियां नीतियां, नहीं अकल तो कम लो। सतगुरु का आधार छड के मन मत्ता ना करियो। ते इस प्रेमी जोड़ा अज एक कर्म कांडी पुरख दे चेटकता लागी, पर राह गलत चुन लिया। ठाकरां दी पूजा वह करता सी, भोग लगाता, धूपां दिखाता सी, सारी क्रिया करमी ने दस दिता है, तो हौली हौली फिर आनंद आता है, आनंद आने लग पिया। तो पहला पहला लूणी सिल हुंदी है, आखण आखा सच्चा नौ, जद फिर अवस्था बदल जाती है, रस आता है, जिमें दरख्त नूं फल लगता ना, कौड़ा फल हुंदा पहला जां कच्चा हुंदा है, जद पक जाता फिर आनंद आ जाता, रस खा के आनंद आता है ना, अंब देख लो है ना, पहला कौड़ा आता है, जद पक गया आनंद आ गया, कितों आया आनंद, और दरख्त ने अपने बिचों ही उन्होंने बख्शिया है, धरती के बिचों आया वो, कुदरत ने करिश्मे बरताए। इस तरह ही मनुख के अंदर भी परमेश्वर ने जो ये नाम के नाल प्यार दे नाल जुड़दा, परमेश्वर अपने नाम का रस भेजेगा, जिदे विच उठण चित नहीं करेगा। साढ़े महापुरखों ने एक सीधा जिहा बंदा मिलिया, भाई रतन सिंह, वह पहला पट्ठे से काम करिया करदा, तो भाई सज्जन सिंह होरां दी कृपा हो गई, वह पट्ठे से काम करदा सी, कहिंदे तैनूं महापुरख मिलाउणे ने, वह लै गए महापुरखां कोल, इक दवार सुन के ही कहिंदा भी आ तां बहुत ही वधिया करदे ने, मैं आया करूँगा, हर एतवार नूं आ जाया करे। वह अमर छक गया, तो इन्ना उन्होंने लगन लगी, कई कई घंटे बैठा रहा करे, बाग से वह थत के बिघे का कम छड के भोरा उत्थे पट लिया। महापुरखा कोल गया, कहिंदा जी मैनू दसो मैं किवें अगे बढ़ सकता हाँ। महापुरखा ने देख के कहिंदे तैनू पुछण की लोड़ है, तैनू गुरु आपे गाइड करूगा, जपी जाया कर, जपी जाया कर। वह चार पाँच घंटे तो होंदया होंदया बारह तेरह घंटे से पहुँच गया,
नवें अनपढ़ सी बाणी दे जो फैसले ने ना सत्त ने मनिया जां ना मनिया साडी श्रद्धा की गल ते उस वेले वह मैनू मिलिया एक बारी मैनू सीधे कहिंदा हुंदा ओह भाई गुरदेव सिंह मैं क्या हाँ कहिंदा मैनू आए दस कहिंदा मैं ना आया करी जाना महा कह तो कहिंदा मैनू सुगंधियां आई जांदियां ने उहनू अंदरों सुगंधी आउण लग पई जो महाराज जो बरमंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाए कहिंदा एक मैनू होर दस कहिंदा एक इहो जी चीज़ सुणदी आ ना बहुत ही वधिया साजा तां कुछ भी नहीं हैगा ढोलकी चिमटिया जिहदा कहिंदा उह तां बहुत ही वधिया साज ने मैं उहदे नाल बहुत नाम जपदा नंदे बहुत आउंदा कहिंदा उठण दिल नहीं करदा उहनू अनहद शब्द सुणन लग पिया यानी इस तरह अज इस बरागी जोड़े नू पति ते पत्नी सोहणे ते मोहणे नू नाम दा रंग चढ़ना शुरू हो गया बाणी जो कहिंदी आ ओ रंग चाड़दा नाम वाला गुड़ा साधुआ दे संगियानू चाड़दा नाम वाला गुड़ा साधुआ दे संगियानू रंग चाड़दा नाम वाला गुड़ा साधुआ दे संगियानू रंग चाड़दा नाम वाला गूड़ा साधुआं दे संगियानू चाड़दा नाम वाला गूड़ा साधुआं दे संगियानू रंग चाड़दा नाम वाला गूड़ा साधुआं दे संगियानू कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग जो जो बधाई जो तो हर जो रंग नाम दा रंग साधु चढ़दा है गुरु चढ़दा है जदों चढ़ जांदा है फिर आरियां दे दंदियां थल्ले भी नहीं उतरदा बंद बंद कट्टण वेले भी चा चढ़दा जांदा रूहां च सड़न वेले भी होर चढ़दा है देगा चवालेगा उ चढ़ जूगा और जे गुरु अर्जन दे पाजन तत्तियां तवियां ते बिठालिया ते मुक्त की चारिया तेरा की आ मीठा लागे आ नाम पदार्थ नानक मंग रंग चढ़िया होया सो नाम दा रंग चढ़ गया इस जोड़ी नू ते ठाकरां दी पूजा करदे ने इशनान दे लई पाणी भर के सिर ते चक के लै जांदे धूपां तकांदे बड़ा कुछ करदे ने ते अज ये जंगल का इलाका है एक गुरसिख उस इलाके विचर रहा है ते उधर एक आवाज आई बचाओ बचाओ इन्हें डंडा लिया कदा मैं आ गया डरो ना अगे गया ते डाकू पै गए बीबिया ते भाई बच्चे छोटे छोटे मुकाबला किया ते उन्हां दी जान बचाई पर जख्म इन्ने हो गए शरीर जख्मां दी झाल झल नहीं सकते हाँ भी हुण भी डिगया हुण भी डिगया ते उधर ये सोहना ते मोहना पानी लई जा रहे ने ठाकर दे इशनान कराने ने ते इन्हें देखिया भी आ जोड़ी कोई जा रही है कहिंदा प्यारे हो आ की है कहिंदे ठाकर दा इशनान कराना है ये जल है सुचा जल है वो जख्म बहुत होए सी खून वगदा सी सहन नहीं सी हुंदी जख्मां दी झाल कहिंदा प्यारे हो जाण वाले हो मैनू दो घुट पानी पिला दो कहिंदे वाह तैनू जे पानी पिलावांगे ठाकर दा इशनान कराउणा झूठा नहीं हो जाएगा ये सुचा जल है
जवाब दे दिता, कहदा पला दो दो घुट पानी पला दो, ठाकर खुश हो जाऊगा। कहते नहीं, यह जूठा हो जाएगा, सुचा जल है। वो जद ना पलाया शरीर जख्मां दी झाल ना, सिख जख्मां दी झाल ना झलदा होया, नाले तो शरीर छड रहा ते नाले मुख तो बचन बोलता है। कहदा नाले प्यारे नाल प्यार दो घुट पानी तो तरसाया, ठाकर दर्शन नहीं जे देन लगा। प्यारे नाल प्यार दो घुट पानी तो तरसाया, ठाकर दर्शन नहीं जे देन लगा। तीन बारी कहता। उस वेले जाते ने ठाकर का इशनान कराया ते उहदे अगे बैठते ने, धूपां दिखाते ने, पर मन नहीं लगता। सिख दे बोले हुए बोल ना बाणा वांगू अंदर बजते ने, उही शब्द वार वार आते, ठाकर दर्शन नहीं देन लगा, ठाकर दर्शन नहीं जे देन लगा। ते फटाफट भगती करी, पूजा करी, ते वापस आ गए, खुशक हो गया अंदरों। हुण इत्थे विचार है, भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे तेरा जे तैनूं इह गल दा ज्ञान हो जावे ना, तेरे सतगुरु कहिंदे ने जा गुरसिखां नूं खुश कर लेगा, तेरे ते गुरु खुश हो जू। पर सानू पता नहीं कर्मकंडा च पए पए हाँ। भाई साहब लिखते ने कहते पांच वारी कोई गंगा ते जावे, पांच वारी पराग दा इशनान करके आवे, कहते जे सिख नूं इशनान करा दे कोई नलका गेड़ के जा पानी भर के, कहते उन्हें इन्ना फल मिल जू। पांच वार गंग जाए बार पंच पराग नहाए, तैसा अपन सिख गुरसिख को दवाएगा। सिख को पलाए पानी भाव कर कुरकशेत, कुरकक्षेत्र से इशनान कर जाए किन्ना टाइम लगेगा, किन्ना पैसा खर्च होगा। कहते सिख नू पानी पिला दे, फल मिल जूगा उन्हू। असमेह तो जग पाल सिख को जवाएगा, असमेह जग फाला जो सिख नू प्रशाद सिखा दे। जैसे सात मंदिर कंचन के असार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। सिख नू सिख शब्द सिखा दे बाणी का, जपजी साहब का पाठ सिखा दे, मूल मंत्र सिखा दे। कहते सत मंदिर सोने के असार के दान करे, कहते इन्ना फल मिल जूगा। जैसे बीस वास बार दर्शन साध किया काहू, कहते भी वारी किसी साधु के दर्शन कर जाए, साधु तो दर्शन नहीं देंगे, अखा बड़ा दर्शन करने मिलते नहीं, भजे फिरते हैं। पर जे भी वारी साधु के दर्शन कर जाए, पता नहीं होन या ना होन। महाराजा नाभे वाला बाबा जस्सा सिंह के दर्शन कर सत्त बारी आया, सत्ते बारी मोड़ता परवाह ना करी ज्यादा। और दसिया वो सेवका ने कहते राजन शरदा बिच जा, वो परख करना हुंदा सी। कहते साधु प्यार दे भुखे हुंदे ने, देख लैंदे ने, परख ना साधन परख्या करदा। ते अठवीं वारी शरदा नाल आया, महापुरख कहते हाँ करो, एक बने ते बह गए, कहते गारे दे तसले लिया, हाँ मारिया तसला बगा के गारे दा। कहते साधुओं परखदा फिरदा, शांत नहीं हो रहा, दस तसले मारे बगा के। सो इस तरह दर्शन होने भागा वाले होंगे ने, अधूरिया तो हो जाते ने। पूर्ण पुरखा के दर्शन उहदी किरपा तो बिना नहीं होंगे है। बीस वार दर्शन साध किया काहो, तैसा बल सिख को चाप पग सुएगा। सिख थकिया हारिया होवे, उहदी मुठ्ठी चापी कर दो, चरण घुट तो तेल मल दो, उन्नी दा जावे बेचारे नूं, कहिंदे इन्ना बल तैनूं मिल जूगा। तो ये गल्लां तां छोटियां छोटियां ने, पर जे आपां विचारीए तां फिर प्राप्ति बहुत वड्डी है। गुरु कलगी धर जी कहिंदे ने कि जे मेरी खुशी लैणी आ, मेरे गुरसिखां दी खुशी लै लिओ। सैब करी नहीं की भावत और की सैब सहात ना जी को, दान दियो इन्हीं को भलो आन को, दान ना लागत नी को, आगे बड़े इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो साफी को, बह ग्रह में तन मान धन सब ही इन्हीं को। सह गुरु पातशाह जी गुरु दा सिख कहिंदा ओए नाम तां जपदे हो, पूजा करदे हो, पर राह गलत चुन लिया।
समझा ना सिद्धार्थ की कहता है, कहते जाओ दो घुट पानी तो तरसा दे, ठाकुर दर्शन नहीं देगा, वचन करता। हुण पूर्ण गुरसिख सीगा, ठाकरां दी पूजा करते ने, ते उस वेले चित नहीं लगता हैगा, वापस आ गए। पर उस वेले जद उत्थे पहुँचते ने, और गुरु का सिख शरीर छड चुकया है, पछतावा हो गया भी माड़ा माड़ा काम होया। रायपुर दी राणी नूं पता लग्या भी तेरे राज दे विच इक गुरु का सिख शरीर छड गया, जा तू सेवा कर रहा उहदा सत्कार कर दे, उहदे क्रियाकर्म कर दे। वह प्यार दे विच आके क्रियाकर्म करिया उहने, पर मन दे विच पछतावा बड़ा होया। इह सोहणे ते मोहणे ने भी बड़ा पछतावा होया भी बड़ा असीं माड़ा काम करिया, असीं पाणी ना पिलाया। ते उस वेले कहिंदे ये जिउंदा जागदा ठाकरा रुस गया। आ पढ़िया कर दे महापुरख, ओ दो घुट पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया। पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, दुख पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, दो घुट पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, प्यारे जी ठाकर नाराज हो गया, बाबा बाबा ठाकर नाराज हो गया, मेरे प्यारे ठाकर नाराज हो गया, बाबा बाबा ठाकर नाराज हो गया, मेरे प्यारे दो घुट पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, दो घुट पानी ना पलाया गुर सिखनू ठाकर नाराज हो गया, दो घुट पानी सतगुरु जी कहते जे मैनू खुश करना है मेरे गुरसिखा खुश कर ली मैं खुश होवगा। कश्मीर के इलाके तो संगत का कट चलिया, वाहेगुरु धन गुरु धन गुरु। रास्ते दे विच भाई कट्टू गुरसिख है, पूर्ण अवस्था का मालिक है, गुरु दे विच प्यार विच इकमिक होया हो पाया, जिदे बारे बाणी कहती है आत्मराज जे जानी सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं ताज मैं रंचक नाहे निपेव।
ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੇ ਨੇ ਪੀਪੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਸੇਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਭੋਗ ਲਾਏਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਜੂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾ ਦੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਆ ਕੀ ਲਿਆਇਓ ਜਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਲਿਆਇਆ ਸੇਬ ਲਿਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਗਲੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਪੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਭਾਈ ਪੀਪੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੀੜੇ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਹਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੀਪੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦਵਾ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਟੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਨਾ ਕੇ ਆਓ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਲ ਚੱਕ ਲਏ ਸਹਿਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਆਹ ਲੈ ਭਾਈ ਆਹ ਸਹਿਦ ਛੱਕ ਲਾ ਅਤੇ ਆਹ ਫਲ ਚੱਕ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਤਿੱਕ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਫਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਗਲੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੀਪੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪੀਪਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ ਸਾ ਚੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਕੁਛ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਈ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਹ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਕੱਢ ਵੀ ਲੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ
भाई जी थोड़ा कम रास नहीं होंगे ना करने वाले पंज सिंघां नूं बुला लिओ नितनेमी होण पूरे चढ़दी कला वाले होण कहिंदे देग बना के अरदास करा लिओ तुहाडी मनोकामना पूरी हो जो कहोगे कृपा हो पर आ ना जाणिओ भी इह फलाणे फलाणे सिंघ ने आ समझे भी साडे घर अज गुरु आ गया। एक प्रेमी ने बेनती करती कहिंदा बाबा जी कृपा तो बड़ी है पर धरती च पाणी नहीं आउंदा। महापुरख हस के कहिंदे तेरा पाणी बेसी कट गया ये हुण कहते चल तू आया मंगते नूं खैर तां पाई दी हुंदी आ कहते तरीका दस दे जुगती तू वरत ली कहते पांच सिंघां नूं लै जी देग बना ली पर नितनेमी होण पूरे चढ़दी कला वाले झूठ बोलन वाले पखंडी पुंडी जे ना होण निंदिया चुगली ईरखा करने वाले ना होण कहते खेतां च लै जी सिर ते चक ली देग जिथे तैनूं आवाज आ गई ना पांच सिंघां नूं ऐ ना था नहीं भी आ फलाना फलाना सिक्खा था जी मेरे मगर गुरु कलगीधर तुरे आ रहे सतगुरु तुरे आ रहे कहते जिथे आवाज आ गई उत्थे टक लवा ली जा कहते कृपा वरत जो गुरु की उदा ही करे घूमी गया अखा जहाँ बीच के कहता इतने घुसर मुझे इतने आवाज जी आती है पांच सिंघां टक ला दिता तो बेअंत पाणी पाणी आ गया। वह महापुरखों को पांच साल बाद गया महापुरख कहते लंबड़दार जी भाई मुड़ के तू आया ही ना चार पांच साल लंघ गए कहता जी थोड़ी कृपा हो गई सीगा कहता पोते नौकरी भी मिल गई सस्पेंड हो गया तुम क्या जी बहाल हो जू हो गया सी बहाल कहता वो कुड़ी छड़ छड़ाई हो गई कहता वह भी बस गई सी कहता पानी भी बड़ा आ गया सी कहता मुड़ के थोड़ी कोई लोड़े ना पई महापुरख कहते आ बसिया दौड़ पई तो जाओ नहीं गुरु कितने आप कितने ये गल बनी कोई प्यारा शरदा चाओ। सो अज इस प्रेमी जोड़ी नू ज्ञान नहीं हैगा पानी ना पिलाया सिख शरीर छड गया पर हुण समा लंघ गया हुण की किया जाए पछतावा पले रह गया ते अज जो समा आया सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने रायपुर की राणी ने सुनेहा भेजिया कि असीं पौंटे की धरती वल्लों आ रहे हाँ तेरे राज दे विच्चों दी लंघना है सारिआं नूं चाव चढ़ गया भी सतगुरु पातशाह आ रहे ने सारिआं ने अपने घर सजा ले मैं अपने घर बुला अपने घर बुलाऊंगा गुरु के चरण पैणगे बख्शा आउणगे खुशियां लवांगे चाव चढ़िया पे आ ते संगतां प्यार दे विच अड़ीकदियां लैना लई खड़ियां ने ते सतगुरु जी आ रहे ने प्यार दिंदे आशीर्वाद दिंदे थापड़े दिंदे ते सोहणा मोहणिआं नूं भी पता लग्गिआ भी आ रहा प्यारा ये भी जाके लाइन च खड़ गए जद इन्हां दे नेड़े पहुँचे सतगुरां ने थोड़ी दूरी तो ही एक पासे नूं घोड़ा भजा लिया कहिंदे ओह नाले प्यारे नाल प्यार दो घुट पाणी नूं तरसाया ठाकर दर्शन नहीं देण लगा सतगुरां ने घोड़ा भजा लिया एक पासे नूं ओह बाकी भी सारे हैरान भी आ किहड़ा मंदभागी आ गया किहड़ा पापी आ गया असी दर्शनों तो बांझे रह गए मंद भागी तेरा दर्शन ना है सारिआं दे मन विच बड़ा अफसोस होया ते होर सट बजी मना जिउंदा जागदा ठाकरा ही है ये नाराज हो गया हुण आपां ने इहनूं मनाउणा है ते गुरु कलगीधर दे महिमा सुणी आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुँच जांदे ने। भाई केसरा माली हुंदा सी जिहड़ा बाग दे विच बहुत वधिया वधिया फुल लगाया करदा सी ते सतगुरु पातशाह जी जदों अमृत वेले समाधि विच बैठिया करदे माता जीतो जी भाई केसरा माली तो वह बाग दे सोहणे सोहणे फुल मंगा के गले दे विच हार बना के पाया करदे ते वह ध्यान नूं अंदर वसाया करदे सी ते आज ये प्रेमी जोड़ा भाई सोहना ते मोहना कहते जिउंदे जागदे ठाकर नूं मनाउणा है बड़े अमीर आदमी सन बड़ी कृपा सी सारा कुछ बेच दिता ते आनंदपुर साहिब की धरती नूं चाले पा रहे ने ते सतगुरु पातशाह जी नूं पता लग्गिया जा के पहला केसरे माली नूं मिले कहिंदे प्रेमिया ये बोले तू गाना है कहिंदा
कहते असी बहुत सोहने बेबहारे फुल उगाना जानते हैं, कृपा कर सानू इत्थे रख लै, असी पटारियां भी बहुत सोहनिया जानते हैं ते फुल भी बेबहारे उगा लैने। अगर तू सानू सेवा बख्श देगा सतगुरु दिया तेरे ते भी खुशियां आउणगियां ते साढ़े ते भी खुशियां आउणगियां। भाई केसरा माली कहिंदा भाई गल इओं आ, मैं गुरु की आग्या तो बिना कोई कह नहीं सकता, मैं सतगुरु पातशाह नूं बेनती करांगा, जय गुरु पातशाह जी आग्या देणगे फिर तां भाई मैं हाँ करांगा, नहीं भी मैं कुछ कह नहीं सकता। जा के भाई केसरे माली ने बेनती करी सच्चे पातशाह, सतगुरु जी पातशाह जी एक जोड़ी आई है, वो अपना ना सोहना ते मोहना दसदे ने, वो बरागी भी बड़े लगते ने, प्यार वाले ने, मिठा बोलते, निम्रता भी बड़ी है, ते ओ तेरे बाग दे विच कहिंदे असी बहुत वधिया वधिया फुल लगावांगे, सानू बेबहारे फुल लगाउण दा तरीका आउंदा है। सतगुरां ने जा ना सुनिया कहते अच्छा किसरिया भाई, उन्होंने ये कह दी बाग विच सेवा कर सकते ने, पर जदा किते असी बाग दे वल गेड़ा मारन आईए ना साढ़े सामने ना आया कर, ना असी उन्होंने दर्श देने ना साढ़े दर्शन करे, परे हट जाया करन। उन्हें जा के केसरा माली ने हुक्म सुनाया, कहिंदा भी सतगुरु कहिंदा बाग की सेवा कर सकते हो, पर जदों किते सतगुरु कलगी धर पातशाह इधर गेड़ा मारन आउणगे ना तुसीं सामने नहीं आना, परे हट जाना है। सतगुरु कहिंदे ना दर्शन तुहाडे करने ना तुहानू दर्शन देने ने, होर सट बजी मना आईओ ठाकरा जिहड़ा नाराज हो गया, हुण मना की छड्डांगे। दिन रात फुल्लां की सेवा करते ने, सर्दियां का मौसम है बेबहारे फुल लगाते, गर्मियों में गर्मी तो बचाते, सर्दियों में सर्दियों तो बचाते हैं, जिवें आ देखिया ना पल्लियों में ढक ढक के सब्जियां बनाते हैं, बेबहारे सब्जियां बना था करते हैं, इस तरह जतन करते हैं। आज गुरु कलगीधर पातशाह जी गेड़ा मारन आए, कहते वाह वाह केसरा जिया कमाल है भाई, बाग का तो नक्शा ही बदल गया, बड़ी मेहनत करदा। वह कहता महाराज ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेहनत उस जोड़ी की है जेड़े तेरे प्यार विच बरागी होए पए ने, अखा चो हंझू घेरदे ने, जदों शब्द पढ़ते ने ना भाई आ लगता भी इन्ना बराग इन्ना प्यार, हंझू सांभे नहीं जाते इन्ने प्यार वाले। पर तेरा हुक्म है भी ना दर्शन देने ते ना दर्शन करने ने। महाराज कहते अच्छा, कहते भाई ठीक है, तैनू पता नहीं किस तरह ये जोड़ी नू मेरे गुरसिख का श्राप पै गया, ये मेरे गुरसिख नू दो घुट पानी तो तरसा के मारिया, वो जानता होया मेरा गुरसिख कह गया नाले प्यारे नाले प्यार दो घुट पानी तो तरसाना, ठाकर दर्शन नहीं जे देन लगा, जे सिख जिउंदा हुंदा मैं इन्हां नू सामने बुला के उन्हूं बख्श दिंदा भी बख्श दे इन्हां नू, गलती किवें कर दे, पर सिख शरीर छड गया हुण किवें करिया जावे। प्यार ते बराग वधदा जा रहा है, कहिंदे चलो जे दर्शन नहीं, कहिंदे गुरु ने सेवा तां दे बख्श दित्ती है, ये गुरुआं दे दर दी सेवा भागां वालियां नूं मिलदी हुंदी है। प्यार विच प्यार वाला इत्थे मैं गल दसदा भई, एक तां सेवक खुशी लैण दे लई सेवा करदा, एक भगत टपाउण लई करदा हुंदा, रोटियां कारण पूरे ताल, रोटियां कारण पूरे ताल वाला तां खाली रह जूगा भावें सारा जन्म करी जावे, जिहदे अंदर शौक होवे भी कुछ करना है किसी किनारे दे जीवन लाना पहुँचना है, वह फिर पूरा है मन मार के करूँ मुरदा होके करूँ, ऐवें नहीं प्राप्तियां आउंदियां, ये तो गल्लां बातों का राह नहीं हैगा, मुरदे हो के ही गुरु मनदे ने, जे गुरु नानक मनिया गुरु अंगद देव पातशाह तो
उन्हें मुर्दा खाना भी प्रवान कर लिया। अद्धी रात को दोपहर कहा कटोरे भी चिकड़ कढ़े ने, पंडा भी ढोईया ने, कंधा भी बनाईया, की नहीं करया। ते फिर प्राप्ति भी गुरु का रूप बन गए। सो ऐवें सतगुरु खुश नहीं होंदे ते अज मन दे विच भी चलो ठीक है दर्शन नहीं पर सेवा तो मिल गई गुरु दी, सेवा करिए कितने समा है गुरु साड़ी सेवा तो खुश होएगा। सेवा करते ने महाराज बाणी विच कहते ने सेवा गुर पीरा दी करदा कोई भागा वाला, 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 सेवा गुर पीरा दी 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 करदा कोई भागा, जाकै मस्तक भाग सो सेवा लाया। ये तो कृपा होंदी है तुरों, सेवक अपनी लायो सेव तिसे प्राप्त निरंजन देव, सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार। ऐवें नहीं सेवक बनते गल्लां नाल, सिर उतारना पैंदा है। महापुरख भी गुरु भी परखदे ने, फिर कसवटियां भी लाउंदे ने, बड़ा कुछ होंदा है। मैं अपनी वड्याई नहीं करदा पर महापुरखां दे प्यार दे विच गल्लां सिखियां। पहला पहला जदों मैं गया अपनी मर्जी जी करने, जब दिल करना आ जाना घर नूं, महापुरखां ने कहना संत सागर पार उतरी है, जै को बचन कमावे संतन का तो गुर प्रसादी तरी है। फिर हौली हौली पता लग्या भी हाँ ये तो रहना पैना, आग्या च रहना पैना, हाँ नहीं सेवा आनी। ते फिर महापुरखा ने दिन रात सेवा ली, रातां नूं जा जा के झूंड बढ़ने, लकड़ां ढोनियां, परालियां ढोनियां, पर पता ही नहीं सी तकड़ा सी उन्हों 22-23 साल की उम्र होनी है मेरी, जब मैं महापुरखों का रलिया। आ भाई मोहन सिंह होरां नूं पता है, साढ़े पिता ही सगों हसन कहते बाकी तो सारिया दवावान होंदिया कप करते देखे ने, कहते रात नूं झूंड नहीं बढ़ते देखे कोई, अद्धी अद्धी रात नूं जाके मैं बंदे इकट्ठे करके लै जाने रात को झूंड बढ़ने, जाके अधी अधी रात को ट्रक भर भर के लै जाने, कदे तूड़ी जा रही है, कदे पराली जा रही है, पता नहीं कदे लकड़ा जा रही है। ते महापुरखों के प्यार विच उत्थे लंगर च मेरी ड्यूटी लग गई, और मेरा सवाल थोड़ा खुला जा सी, मैं घ्यो घो पा दिया करना, बड़ाई बुड़ी पा दिया, दुध देता करना खुला ही। और बीर जी आए कहते गुरदेव सिंह चल बाहर चल बाहर, महा जी ठीक है। मैं चुप करके अपना खेतों जाके सेवा कर लग पाया, मैं आप खुशी लैनी है गुरु की। और पांडा उत्थे खासे चरी बढ़नी पैंदी सी, 20-25 भार बढ़ने पैंदे सी,
वो बाबा हजूरा सिंह जी उत्थे मैं कहना बाबा तैं अज तो बाद गोहा नहीं चकना तो जाके दस पंद्रह रेहड़ियाँ आनिया मैं चार बजे चक देनी सारी उस तो बाद फिर मैं अपना पट्ठे बढ़ने तुर पैना कल ने आ कहना बाबा तेरे भार बढ़े आया बन्ने आया तो चक ले जाके वह कहना बा गुरदेव सिंह तेरे वर्गा बंदा नहीं मिलना वो जानी जी एवें नहीं वह गुरु के प्यार दे भी जो मरीद मुरदा आता सेवक मुरदा आता फिर गुरु की खुशी का पात्र बनता आ चार पांच साल कीर्तन या फिल्मा दिखाइया मैंने ये नहीं थी पता भी मैं रात कितने कट्टांगा कोई मैं रखूंगा भी जिते देखना उत्थे बह जाना जाके चुप करके सो ये सतगुरु कृपा करता एवें नहीं सेवक बनते ये तो महापुरखों ने कृपा करी है ये शरीर तो सेवा ली है तो लै रहे हैं साड़ी की ताकत है तुम एडी एडी दूर तो चल के साढ़े अंदर प्यारे पैदा हो प्यार की गल सुनना आए ताही इतने बैठे हो और मैं इन्ना भी भरोसा जी अद्धी रात में तुम्हें हिलना नहीं है मैंने ये भी पता प्यार है साढ़े अंदर आप बनूट दवा लगे एक बार साढ़े बारह बज गए रात टिड्डा साहब वाले लगे हुए कहता बाबा जी थोड़ी कही जी संगत है कोई हिलदा ही नहीं कोई अखे नहीं जमता जमी इधर उधर देखता ही नहीं कोई क्या सिखाया तुम इन्होंने क्या पाया मैं इन्होंने प्यार सीख्या गुरु के प्यार रत्ते हुए रूहान ने कहता शांति हो बहुत है एडी शांति तो चलो इस पास ना जाइए तो सोना तो मोहना हूँ मुरदा हो के सेवा कर दे ते फुलां दे नाल गल्लां करदे ने ओ प्यारे हो नाले फुलां नू पाल दे आ हाथ ला ला के देख दे प्यारे हो तुसी मेरे प्यारे गुरु कलगी धर दे गले दे हार बनोगे पर मेरा साडा कि सुनेहा दे दिओ जदों तुसी गले विच पाओगे सतगुरु कलगी धर नू कह दिओ सच्चे पातशाह जी अपने बिछड़े प्यारियां नू भी मेल लै पता नहीं किन्ने जन्मां दे भटके फिरदे ने तेरे मिलाप नहीं हो रहे कृपा कर दे साडा सुनेहा दे दिओ ते अधी अधी रात नू जा के बेबहारे फुलां दी सेवा कर दे गल्लां कर दे ने माता जी आ जांदे ने माता जी ने बेनती करी माता जीतो जी ने सच्चे पातशाह जी पति जी ऐंडी रूप राग वाली प्यार वाली जादे गाँवे ने सरौदा लैके मेरी अखा जी हंझू किरदे मैं सामभे नहीं जाते पर केड़ा कर्म आ गया इन्हों का तुसी कहते दर्शन नहीं देने मारे कहते जीत जी मेरे प्यारे ने वचन कर दिता बन्ने गए असूल है इस सृष्टि का भी जे रब का प्यारा बन देवे रब नहीं छड़ा होंदा जे रब बन दे ते उहदे प्यारे भगत छड़ा दिंदे हुंदे ने मेरी बांधी भगत छड़ावै बांधी भगत ना छुट्टे मोहे एक समय मौको गए बांधा तो अपन मौके जवाब ना हुई मैंने जवाब देने आखा जांदा ये मेरे प्यारे ने बन दिते उन्हें दो घुट पानी ने तरसा दिता इन्होंने मां बर गया श्री छड़ गया नाले कह गया भी ठाकुर दर्शन ही देने लगा मैं अपने प्यारे का वचन किवें अलटावा वह जिंदा हुंदा मैं बख्शा दिंदा कहती सच्चे पातशाह जी फिर कोई कृपा दसो किवें हो किवें बख्शे जाणगे महाराज कहिंदे तुसीं इन्हां नूं नाम दीआं जुगतियां समझाओ जदों इन्हां दी बिरती नाम जप जप के काल मंडल तो उपर लंघ जाएगी बिल्कुल मेरे प्यार दे विच मुरदे हो जाएंगे ना उस वेले बख्शे जाएंगे आओ समा बख्शन का पर हुण मेरे प्यारे दे बचन सामने ने जे दरबाशे रिखी ने शराब दिता सी भगवान कृष्ण ने अपनी कुल का तो नाश करा लिया पर बचन नहीं बदलिया जै भाई बुद्धू ने आवे पाए सी लखो ने कह दिता कहता मैंने प्रशादा छका दे उन्हें छकाया ना वो जब अरदास होने लगी वह कहते ग्रंथी का कहना भी आवे पक्के ने कह भाई लखो कहता कच्चे रहनगे कच्चे रहनगे कच्चे रहनगे तीन बारी कहता वह कच्चे ही रहे आवे सतगुरु अर्जन देव जी ने बचन तो नहीं बदलिया पर भाई बुद्धू नू घाटा नहीं बैन दिता कहते आवे तो रहनगे पिले कच्चे ही रहनगे गुरसिख मेरा भुखा मोड़ता पर तैनू भा पक्कियां दा मिल जू कृपा हुई जानी जी एक बचन नहीं उलटाया सतगुरु ने सो ये जुगा जगांतरां दी रीत चली आ रही है तो सतगुरु कहते जीत जी तुसी इन्हां नू सिखाओ
भी किमें नाम दिया जुगतियां ने किमें गुरु के प्यार एक में कौन अपना आप खत्म करना है। तो माता जी जाते ने बड़ी बड़ी देर तक इन्हों प्यार वचन सुनते हैं शब्द पढ़ते हैं। माता जी प्यारे प्रीतम के दर्शन तो बिना जुना ही आखा हो गया हर बिन क्यों रही है दुख व्यापे जीभा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संताप है। जब लग दर्शन परस है प्रीतम तब लग भूख पिया सी। माता जी नित अरदासा बेनतियां करते हाँ हा तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कब गल लावेंगे प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हा तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। हम बारग मुगत अजान पिता समझावेंगे सत खिन खिन भूल बिगाड़ जगत पित पावेंगे। माता जी साड़ी भुल होगी कृपा करो सतगुरु ने बेनती करो सानू बख्श देन। माता कृपा कर दिंदी हुंदी माता का दिल नरम हुंदा है बच्चे का दुख सहन नहीं करती। ऐ शरीर ने देखिया महापुरखा के प्यार च रह के तीन क वारी महापुरख मेरे नाल नाराज हुए ते मैं भुब्बा मार मार रोना मख्या मैं थानू प्यार करदा तुसी मेरे नाल नाराज क्यों होने हो मैं नाराजगी सहन नहीं कर सकता मरन हो जाता है। तो महापुरखा ने उस वेले फिर बीज ने अंदर लै जाना पता उरे एडा गिलास लै लेना बड़ा सब तो दाखा बदम काजू सरदई बनाई हुई लै पुता शक तू तकड़ा हो जरा कोई गल नहीं मैं तेरे पिता ने समझाऊंगी। यानी वो एक प्यार बख्श दे सी ते माता पिता दे प्यार तो बिना बच्चे का जीवन अधूरा हुंदा है। ते ओ प्यार दे विच फिर उस बाद जिहड़ियां बख्शां करदे ने ओ कहणी कथरी तो बाहर हुंदियां ने। बाबा बीरमदास जी बदौशी वालिआं कोल पटियाले वाला महाराजा आ गया बड़ी देर तक पुत्र ना होया बड़े यतन करे दसिया कहिंदे राजन महापुरख तां पूरे ने पर कटाई बहु करदे ने गाला भी कढ़ते हैं डंडे भी मारते हैं पत्थर भी मारते हैं देख ला तेरी मर्जी है जेड़ा पत्थर खा गया डंडे खा गया वह बन भी जाता आ गया नाल सेवादार ने ते महापुरखा ने भी फुटा बांस मंगा लिया कहते बड़ा मंगता आ रहा भी फुटा बांस लियाओ उपर बह गए मने से जद नेड़े आया उधर मक्की दे करचे सीगा तुरना होवे नंगे पैरी अगे बधिया महापुरखा ने आ मारिया बांस नाल इहदे अहलकार सी कहिंदे की हुकम आदा बांस मत मार जो थानू कहिंदे पिछे हट जाओ एक मार दो मार सत मारे कहिंदे हुण रज्जिया ही ना तपिया फिरदा कहिंदे हुण तां सत बख्श दित्ते कित्थे एक पुत्तर नूं तरसदा सी फिर सत पुत्तर बने होए। सो इस तरह महापुरखां दी जिहड़ी मार है उस तों बाद फिर बख्शे भी वड्डी हुंदी है। उत्थे एक बच्ची से मैं एक बारी बारहवीं ग्यारहवीं पढ़ती थी मेरा ख्याल दसवीं ग्यारहवीं वो कुछ गलती ऐसी करी मैं वो मुंडे थप्पड़ मारता कुड़ी दे भी मारता वो मैंने घर वांगू प्यार करती सी ते वो जा दूजे दिन आई पढ़न उधर वह भी रोई जाए मैं भी रोई जावा मैं क्या मैं तेनों क्यों मारिया तो मैंने घर वांगू प्यार कर सारे बच्चों घर वांगू प्यार करते हैं पी एच डी कर गई हुण तक भी याद कर दिया कहिंदी जे बाबा जी थप्पड़ ना पैदे मैं पी एच डी ना कर दी इत्थे बाबा जी ने भजाया मैनू। सो इस तरह सतपुरखां दी जिहड़ी मारी हुई मार टहलदा संत सी इक उहनां दे रात नूं डाकू आ गए सुरजनदास मुखी है ते अद्धी रात दा समां है महापुरखां ने पूर्णमासी दा भंडारा करना सी ते महापुरख कल्ले रिहा करदे एकांत विच देख लिया भी बंदे घुम्मदे फिरदे वह सुरजन का डाकू पछाण लिया कहते सुरजनदास आए तो जब सारा समान इकट्ठा कर लिया ना महापुरख सुरजनदास के सामने खड़ गए कहते भाई अगर होर किसी चीज़ की लौड़ आ खलड़ी आ खलड़ी ला के दमा अपनी आ भी लै जाओ वो ऐसे निम्रता के बचन कहे ना वह सुरजनदास डाकू पत्थर दिल भी मोम हो गया कहता ऐसे महापुरख महापुरखां दे चरण फड़ ले चिमटा मारिया कहते दुष्टा मेरे चरण छड़
कदा हूँ नहीं छड़दा, हूँ नहीं छड़दा, मार भावें छड़। दूजा चिमटा मारिया कहते छड़ मेरे चरण, नहीं छड़दा कहते हूँ नहीं छड़दा। या तीजा मारिया कहते हूँ तो छड़ दे, तीन जन्मां दे पाप तीन चिमटे मार के खत्म करते तेरे, बस कर। सो इस तरह बख्शा बड़िया होंदिया ने। तो सतगुरु जी कहते जीत जी ज्यादा फिर बख्श का समा आएगा, ये बख्शे जाएंगे पर हाले नहीं। मेरे प्यारे दे बचन मैं किमें उल्टाव, मेरी बाणी कहती है मेरी बनी हुई भगत छिड़ांदे ने, भगतां दी बनी ना छुटदी। बनी हुई भगत छिड़ांदे ने, भगतां दी बनी ना छुटदी। मेरी बनी हुई भगत छिड़ांदे ने, बनी बनी ना छुटदी। भगत छुड़ाउंदे ने, भगतां दी बन्नी ना छुटदी। बन्नी होई भगत छुड़ाउंदे ने, सादी बन्नी ना छुटदी। मेरी बन्नी होई भगत छुड़ाउंदे ने, भगतां दी बन्नी ना छुटदी। मेरी बन्नी होई भगत छुड़ाउंदे ने, भगतां दी बन्नी ना छुटदी। माता जी जाते ने बाग बिच खुश होंदे ने, पत्रा आ फुल तोड़ के लिया, आह आह तोड़ के लियाओ। थोड़े पिता के गल पाने ने, सतगुरु के गल पाने ने। कई बार माता जी ने कहना मैनू शब्द सुनाओ गुरु प्यार दा, जा शब्द गाना प्यार दे विच, माता जी तो जी अखां च भी हंझू आ जाने। बार बार बेनतियां करते ने, अज बीबी मोहना ने माता जी के सिर ते पट ते शीश रखिया होया ते बेहोश हो गई। माता जी ने उस वेले मुख च पानी पाया, सिर ते प्यार दिता, बेटी अंडाल ना हो, उठ होश विच आ, प्यार विच आओ, बंदगी करो, सेवा करो, समा आएगा सतगुरु खुश होणगे। समा लंघदा चला गया, वधिया तो वधिया फुल लगांदे ने, गुरु पातशाह दे गले का शिंगार बनते ने। ते अज सतगुरु जी का जन्म दिहाड़ा नेड़े आ गया। माता जीता जी कहते भाई सोना मोना अहे जे वधिया वधिया फुल लगाओ ना, जदों जन्मदिन के उत्ते तुसीं गुरु के गले के विच तुहाडे गाए हुए फुल जाणगे ना, मैनू आस आ सतगुरु बख्शेगा। दिन रात ठंडी ठंड के विच पौ माघ दियां ठंडियां रातां विच बेवहारे फुल अगाए, जद फुल खड़न लगे गल्लां करदे ने, ओ मित्र तुसीं भागां वाले हो, सानू प्यारे दे दर्शन ने, पर थोड़े भाग पता नहीं किन्ने जन्मां तो सड़ता पाए। गल्लां करदे बोलदे नेक नसीब तुहाडे मित्रो, जिन्हां जाए पिया गल पैणा, बाह उगणा ते सफल लगना, बाह खिड़खिड़ हस हस रहना। प्यारे हो तुहानू ते तुसीं टुटदे हो, बाह सूई झड़ वाह गुंदे गल रहना, बाह हसन वाह रोण तुहाडे, जिन्हां जाए पिया गल पैणा। बाह त्रुटना बाह सूई चढ़ना, बाह गुंदे रल बहना, बाह हसन वाह रोण तुहाडे, जिन्हां जाए पिया गल पैणा। आ फुल्लां दे नाल नाले उन्हां दी सेवा करदे, कदे पानी पाउंदे, कदे देसी रहे कदे दूजा रहे, ते नाले फुल्लां नाल गल्लां करदे ने। ओ तुसी भागा वाले जी,
जिन्हां ने प्रीतम दे गल पैना तुसी भागा वाले जी जिन्हां ने प्रीतम दे गल पैना तुसी भागा वाले जी जिन्हां ने प्रीतम दे गल पैना भागा वाले जी जिन्हां ने प्रीतम दे गल पैना ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੜ ਪੈਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜੋ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਉਗਾਏ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਗੇਂਦਾ ਗੁਲਦੌਦੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖੱਟਾ ਗੇਂਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਬੇਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਖ ਅਲੱਖ ਮਾਲਣ ਅਲੱਖ ਅਲੱਖ ਮਾਲਣ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਹ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਆ ਆਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਦਨੀ ਜੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੜੀ ਪੋਹ ਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਰਹੇ ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਪਤੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ
कदे मैं क्या फुलां दी मालक मैं नहीं, मैं तां सेवक हाँ। ये तो गुरु के फुल ने, गुरु मालक है ना फुलां दा। पर जान लग्या कह गया कि मेरा श्राप है जे तुसीं फुल नहीं देने मैनूं, तुहाडी ना जड़ रहे ना वेख रहे। भाई सोहना कहिंदा फकीरा तेरा ये श्राप साडे लई वरदान होवे। साडा प्रीतम प्यारा साडा जिउंदा जागदा ठाकर रुस गया, असीं दुनिया तों रह के की करना, असीं मरना जाइए। ये तेरा श्राप वरदान होवे, साडी दुनिया जड़े ना रहे। ते उस वेले रात नूं सौ जांदे ने, अद्धी रात नूं रोडा जलाली बाह टप के आ गया बाग विच, पटारी कोल है, ते सारे फुल तोड़ ले, कुछ मधोल दिते। पटारी भर के जद गुरु कलगीधर पातशाह कोल संगता भेटा लै लैके आउण लगी आ, वी जन्म दिहाड़ा महाराज दा, कुछ लै कुछ कुछ लैके आ रहे हैं। ये रोडा जलाली पटारी भरी हुई फुलां दी लैके पेश होया। ते उधर जाते बाग विच गए अमृत वेले, बाग दे विच फुल नज़र नहीं आता, कुछ मधोले पए ने कुछ नज़र नहीं आ रहे। पब्बा निकल गया, हाए नींद हथियारी है, असी अपने प्यारे दे फुलां दी राखी भी ना कर सके, मरना जाइए असी। ते उस वेले प्यार दे विच बेहोश हो के एक पासे नूं सोहना गिरदा, एक पासे नूं मोहना गिरदा है। सात गुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी नंगे पैरी उस बागबाल नूं भज्जे जा रहे ने। से कहते महाराज जोड़ा दा बैंद लो, कहते ना, माता जी भी मगरे जोड़ा तो बगैरे भज्जे जा रहे ने। बाग विच आवाजां दे दे ने, पुत्र सोना मोना मैं आ गया, अखां खोलो, आ देखो आ गुरसिख दरगाह च मैनू आवाजा मार रहा, सतगुरु बख्श दे, इन्हों बख्श दे कह रहा, हो मैंने दर्शन दे के कह रहा, हम बख्शिश होई है, बख्शिश होएगी। पहला तो ऐसी ठाकर दर्शन नहीं जे देन लगा, पर अज प्यारियों बिचों नहीं कट दो, अज ठाकर दर्शन देन लगा है, अज खुश हो गया ठाकर। उस वेले सतगुरां ने प्यार दिता, गलवक्कड़ी चलाए, ते उधर जल वापस लेके मुड़े, रोडा जलाली बैठा है, फुलां दी पटारी सामने पई है। सतगुरु फुलां नूं तक तक के कहिंदे, की कहिंदे हो बई, की आवाज दिंदे हो? ते उस वेले ते सतगुरु पातशाह जी पढ़दे ने, कहिंदे रोडा जलाली, तूं जलाली नहीं तूं भलाली है, तैं दया नहीं कीती, मेरे प्यार वाले गुरसिखां दा फुल नहीं तोड़े, तां दिल तोड़ दिता, तेरा पत्थर हिरदा है, तैनू कोई प्राप्त तेरा दया नहीं हैगी। ते आ गुरु पातशाह जी गुरु कलगीधर जी कह रहे ने, ओ फुल तोड़ के दिलां नूं तैं तोड़िया, दिलां दे विच रब वसदा, तोड़ के दिलां नूं तैं तोड़िया, दिलां दे विच रब वसदा, तोड़ के दिलां नूं तोड़िया, दिलां दे विच रब वसदा, तोड़ गए दिलां नूं तैं तोड़िया, दिलां दे विच रब वसदा, तोड़ गए दिलां नूं तैं तोड़िया, दिलां दे विच रब वसदा, तोड़ गए दिलां जी।
सतगुरु कहते बाणी कहती आ मंदिर ढा दी माजद ढा सकदा पर फिका बोल के किसी का दिल ना ढाई शब्द ना बोली फिका मंदिर ठठे हुए माजदा ठठिया बन जाएंगे पर ठठिया होया दिल नहीं मुड़ के बनेगा मंदिर ढा दे माजद ढा दे ढाई जा जो कुछ ढहदा है पर एक मनुख का दिल ना ढाई जिदे बिच रब रहा है महाराज कहते मैं अपनी बनाई हुई दुनिया के बिच बसा वा खाला खलक मैं खाल पूर रहे थ्रब उठाई बाणी कहती है सारे जरा बात थोड़े अंदर मेरे अंदर ही बात तो उस वेले सतगुरु जी कहते तैं माड़ा कर्म किया है श्राप दे दिता सतगुरु ने तो माता जीतो जी अगे बधे वह पटारी दे फुल कढ़े कहते लो बेटा सोना मोना आ फुलां नूं परो फुलां नूं परोया गया परो के जद हार बन गए कहते लाओ फिर अपने सतगुरु के गल च हार पाओ हूँ सतगुरु के हार गल में हार पाए सोना भी पावे तो बीबी मोहना भी पावे सतगुरां ने प्यार दिता गलवक्कड़ी च लाए खुशियां बख्शियां उस वेले सतगुरु के अगे बेनते सच्चे पातशाह तेरे वर्गा बख्शनहारा दुनिया से कोई नहीं होना जो तेरी शरण में आ जाते ने तू रखद बख्शद जो तेरी शरणाई हर जियो तेन तू राखण जोग तुद जैवट मैं अवर ना सूझे ना को होया ना होगा तेरे वर्गा नहीं दुनिया के ना होया ना होना किसी ने ते इस तरह सतगुरु पातशाह ने उन्होंने बख्शिया ते ओ तो बाद फिर अपने नाल लै आए अमर दियां दातां दित्तियां सोहणे दा नाम सोहण सिंह रख्या गया बीबी का नाम मोहन सिंह रख्या गया भाई सोहण सिंह चमकार की जंग में फिर सिद्धि प्राप्त करते हैं स बख्शिया गई रूहां पर जदों प्यार की हद टप गया प्यारा गुरु के प्यार में अपना आपा ही खत्म कर गया उस वेले बख्शिया गया अपना प्यार उपर उपर से करते हैं बस मत्था टेकया साडा बाबा भी टेकदा हुंदा सी मैं भी टेकदा पुत तू भी टेकी जा कि मत्था टेकिया सिख बन जाएगा बचन तो मनता नहीं गुरु का एक भी तू बचन मन जद बचन मनेगा महापुरुष क्या करते कहते गुरु ग्रंथ साहब थोड़े ऐसे गुरु ने जड़ा इन्ह के दो चार बचना मन लो देवता बन जाएगा जड़ा सारे बचना मन लो कहते रब बन जूगा पर मने कि आपां तां बस रमाले सुंदर चाढ़ दो जी ऐनी भेटा चाढ़ दो जी धुप्पां दिखा दो जी ये गल बनी कोई तुहाडा बच्चा तुहानूं सवेरे शाम मत्था भी टेकदा ते तुहाडा कहना मनदा ना तुहाडा मन खुश हुंदा तुसीं कहिंदे हो काहनूं मत्था टेकदा उहनां नूं मत्थे नूं टेकिया कर तूं तुहाडा पुत्त ही नहीं हैगा ओए जाणदी बुरा भला कहिंदे हो इस तरह सतगुरु पातशाह जी कहते जे मत्था टेकदा है मेरी गल भी बंद लिया कर कदे कह दिया कर मैं तेरा मैं ना ही भरा सब कुछ तेरा ईगा निर्गुण उगा सरगुण केल कर भी स्वामी मेरा कह दिया कर तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तू तो कहना सारा कुछ है मेरा कोठी भी मेरी कार भी मेरी घर वाली भी मेरी बच्चे भी मेरे रिश्तेदार भी मेरे तो जमीन भी मेरी रिश्तेदार भी मेरे कद कहने गुरु मेरा कद कह दिया कर गुरु गुरु कर मन मोर गुरु बिना मैं ना ही होर जो यह जी भावना आएगी सतगुरु तेरे ते बख्शा खुशियां कृपा करेगा सो यह गुरु के प्यार दचार अपना सरवण कीतिया ने हूँ समा हो गया है विचार करते हैं जो भुला ने यह शरीर का अणजाणपना खिमा करो अगे नस्मत बख्शो ते जो विचारां चंगियां लगियां ने उह सा शरीर ते सतगुरु की कृपा तुहाडी कृपा है मेरे महापुरखां की कृपा अरदास करियो पातशाह इस मुख तो गुरु प्यार की आवाज़ निकलती रहे ते मैं हुण तुहाडे अखीर ते समाप्ति करां तुहाडे सारयां दे प्यार नूं शीश झुका के नमस्कार करां पातशाह इह संगतां दे अंदर तेरा प्यार सदा ही बरतदा रहे ये प्यार वालियां संगतां दे दर्शन हुंदे रहण असी तेरे प्यार दे भी जुड़ के तेरी बाणी दे बचन सांझे करते रहिए साडा भी भला इन्हां संगतां दा भी भला है भागा वाले जीव ने जिहड़े बहुत प्यार विच सेवा करते हैं
बहुत सारे दस समय से आते हैं बेचारे टाइम ही नहीं है पर भाई सुखदेव सिंह जी आए हुए हैं परसों के ते सारी सेवा कर रहे हजरे लग जाते 8-9 बजे लग जाते हैं बीबिया आदि ने प्यार बच्चे बड़ी सेवा कर दिया ने प्रशादे बना ने बेअंत भाई गीता राम का परिवार है सारा ही परिवार सेवा करता है एक तो एक चढ़ता तो ये प्यार कृपा दल अंदर पैदा होता है कल साढ़े को दुध दिया है जद दुध चक लिया 10 किलो कदा मैं हमने लेके आया नहीं अगला सोचता है भी 600 रुपया बनना मैं कहूँ जमा बाबे जद भज के चक लिया अज भी फिर लिया तो इस तरह बड़े प्यार वाली रूहां ने अटारी वाले बाबा जी ने यह भी बड़े प्यार वाले ने ते भाई निर्मल सिंह जी ने भाई इंद्रपाल सिंह होरी ने सारे परिवार ये बहुत ही प्यार वाले ने हर वेले जदों भी मैं आवाज़ मारा उस वेले हाजिर होंदे ने ते एक कृपा बख्शिश होई है कोई अपना सारिया का पिछला पुन कर्म जागया ऐ समाग का मैंने पता नहीं सी भी होगा है पहला 25-26-27 का रखे वो साडा लेंटर उलझा फिर चले इन्ना काम किधर मखा भी बड़ा औखा हो गया भी दिमाग समागम सिरते आ गया फिर एक हफ्ता मैं अगे कर उत्थे सारिया अनाउंसमेंटा हो गई साढ़िया बनूड़ा भी जाना भाई 25-27 में फिर मैं बोलिया मैं क्या भी आप पहले 2-3 दिन चलेंगे तो बड़ा प्यार दिखाया आप पजोखरा साहब तो आए ने प्रेमी तो नाले राशन पानी भी लियाए तो नाले संगतां नूं सारे दर्शन कराए तो बड़े ही खुश बड़े प्यार वाले ने हुण इहना रात नूं आनंदपुर साहब रहना कल फिर दीवान सुन के जाना यह बहुता मैं स्थानित करके बनाया भी आने वाले समय भी जब सारे ट्रस्ट के संगतां बढ़ जाएंगे इत्थे आ के नाले तां आराम कर लिया करनगियां नाले गुरु के दर्शन गुरु घर के दर्शन हो जाए करे बहाने गए कृपा हो जाए करो हम मैं कहते बाबा जी चमकौर साहब सू दर्शन कराए महा कोई ना भाई वह भी कृपा हो जाओ सो इस तरह ये सारा ही सिस्टम चल रहा है तो गुरु पातशाह की कृपा दे नाल बिल्डिंग सारी हुण चल रही है हेठा लेंटर पै चुका है तो उपर सारी शुरू हो गई है तो महीने के बीच तकरीबन वह भी सिरे ला देनी है तो जदों असी शुरू करिया इन्ना पानी हेठ तो आया सेम का ना ठेकेदार हथ खड़े करा कहते मेरे बस दोबारा मैं नहीं करता काम और कुदरत रब ने एक होर भेजता कहता मैं कर दूँ कहता मैं बंदे इकट्ठे करके लिया करा जिन्ना कढ़ा कर मैं उन्नी फिर आ जा करे बखाता समस्या खड़ी हो गई पर फिर असी डड्डू मोटर जी लिया एक उन्हें साडा काम सोहना चलिया बा फिर फटाफट मैं बच्चे लाया साढ़े 12वीं क्लास के मैं क्या पानी कढ़ के नाल दी नाल बजरी पा दो सुक्की पा दो फिर काम असी चलाया फटाफट तो नहीं तो कहीं मैं होले महल के बाद देखूंगा आके मैं नहीं कर सकता पर वाहेगुरु का हुक्म सीगा 1.5 साल तो पहला साडा CL जी लाके साड़ी बस हो गई पर हुण महाराज इलाके कृपा लगती है भी इलाके के भाग जाग पे हुण इत्थे कृपा वरतेगी तो बड़े प्यार वाले अमृतसर तो दबान लग गए हैं भावें वो आए नहीं प्रेमी अज भी को ब्याह से उन्होंने जरूरी अज भी कहते बाबा जी सानू की करिए मजबूर हो गए महा चल कोई ना आखिरी दिन आ जाओ तो बड़ा उन्होंने प्यार दिखाया जब अभी गए उत्थे मैं कोई आऊगा भी गा बढ़ते ही मूहरे पास मंदिर सेगा तो गुरुद्वारे पूछे भी दीवान आने ने पहला भी गए एक बार फिर गए और आए ना दबे मैं भी चलो कोई ना और कुदरती अपना बच्चे की रिश्तेदारी हुई उत्थे बच्चे गुरिंदर इन्हों के ताए चाचे ने तो कहते जी असी लवावे दीवान आओ जगह देखो तो जगह देखी कहते जी आ जगह एक तो खुली पई है एक साड़ी कम्यूनिटी सेंटर वो देखो जा मैं उत्थे देखा मगर आता बहुत वधिया बंदे आ गया जब उत्थे लाए इन्नी संगत आई सारे खुश हो गए कहते अगली बार उन्हें 5 दीवान लाए साडे पिंड सो इस तरह जिथे कृपा होंदी है बख्शा होंदियां ने उलाहा लैंदे ने मैं इस इलाके में दीवान बहुते लाने ने हुण जिथे भी प्रेमी लाना चाहते ने मैनूं दस दिओ भाई ला दांगे ते डरिया ना करो भी बाबा जी पत्नी हाथों कोई मंगने आउणगे मेरा यह सवाल ही हैगा ना साडे महापुरखां दा ते ना मैनूं इह आदत है असीं तां गुरु दे प्यार विच आ महापुरखां ने कहा कहिंदे पैसे वल झाक के आउणा कहिंदे आ गाउणे वाले गाते होंगे ने ना कहते शराबी लोग शराब पी पी के सात सात लोटा बट मारते भाव गा के कहते वह भी तो परम तो मिलती है तुम गुरु के गुण गावोगे गुरु थानू नहीं भेजूगा शरदा रखियो भरोसा रखियो
आ समागम शुरू होना जी तुम जो मेरे को पैसा कोई नहीं थे मगर समान शुरू करने पैसा कोई है नहीं गा कि मैं चलो कृपा हो सतगुरु की आ साडे वीर जी और परिवार बैठा वो बच्चे ने पैसे भेजते कनेडा तो कहता भी खुले ही कम करो कोई डरो ना जिमें करना करो तो गधरां भी होंगे दवान उदो भी ये बड़ा खर्चा करते हैं प्यार बिच तो उत्थे बलूड़ होंगे साडा समागम लैलपुरी का परिवार भाई सुजीत सिंह होरी सारी बहुत साथ देंदे ने ते भाई सुखदेव सिंह होरी बलकीर सिंह होरी सारा परिवार बड़ा साथ दिंदा सारे नाल खड़ते हैं खर्चे भी पल्ले ते करदे ये कुदरत दा प्यार होंदा है वाहेगुरु ने संगतां दा भला कराउणा होंदा है। एक बच्ची साड़ी आस्ट्रेलिया जा कहिंदी बाबा जी जदों समागम होंदा तुसीं डरिया ना करो मैनू दस दिया करो भी किन्ना खर्चा आउंदा कहिंदे मैं तुहानूं सारे भेजदा करूं पैसा मैं कहा ना ऐ नहीं करना हैगा आ भाई बहादुर सिंह आए हुए ने बड़वाली तो मानपुर खंड दबाण लगे वह बीबी भी आई हुई है मैं हाँ भी दवान लाई है इलाके च वह बीबी ने हिम्मत करी इन्हें टैलीफोन कर बहरों कदा लवाओ डरो ना कहता कहता पैसे मैं भेज दूंगा वो जद 11,000 रुपया भेज दिता वो पिंड के राय ना दे डीसी मिलो फलाने मिलो एस एच ओ मिलो आओ लिया मंजूरी आओ लिया मंजूरी वह सारी आप चलेगी डीसी को भी जाके एस एच ओ को कहते देखा डीसी मैं खा लूगा दवा लग गएगा हूँ फिर लगने ने सो इदा प्यार वाले दल ही होर होंदिया ने बख्शा होंदिया ने सो वाहेगुरु कृपा करता है जिन्हें तो वह भी दिता है इन्हों माता लेके गई भाई बहादुर सिंह जी महापुरखा को मेरे नाल इन्हें रतवाड़ा जो सेवा करे मैंने मखौले करी जाया करे वह बाबा तो मैंने मार लिया कितने लाया मैंने तू हटदा ही नहीं छड़ता नहीं मैंने तू तो रेड़ा लैके चले जाना अभी पट्ठे बढ़ना तो कहता भी उदो बाबा जी दवान मैं सुनता ही नहीं सी कीड़ा मार के मुड़े आना महापुरखों को लै गई माता कहते बाबा जी ये तो नौकरी की कृपा करो महापुरख देख के अखा मीच के कहते भाई जी नौकरी तो आसमाना च घूमती फिरती है कहते असं हैरान भी नौकरी कितने घूमती आसमाना च जा फिर कहना मैं डुबई गया फिर मैंने पता लग्या भी आह समान से गल गल महापुरख कर गए भी नौकरी समाना घूमती फिरती है। सो इस तरह महापुरखा के बोले जोड़े बचन ने सत्त होंगे ने भगत मुखे तो बोलते सो बचन आते आवेंदे प्रगट पहाड़े जापते सब लोग सुनते सो आओ हम कल का समा अपने हाथ बाकी रह गया जिथे उधरों साड़िया संगत ने आना मैं अज भी टैलीफोन आए बाबा जी कल अभी जरूर आना सानू गड्डी जरूर भेज दौ तो अज भी मैं मैं एक गड्डी आनी अज तो पर फिर भी गिगे माजरे तो भाई अवतार सिंह कहते ना ना जी असं तो आना जरूर है गडाणिया तो बीबिया कहते सानू जरूर लेके जाओ फिर मैं क्या भी चलो तो आ गए वह भी जिन्हें कर्मा बिच लाहा लै गए भाई भरपूर सिंह हो रही लैके प्रेमियों आए ने राजपुरे तो पर थोड़ा जा फर्क रख गए संगत पूरी लियानी थी इन्होंने चलो वो थोड़ा जा संगत करोना करके टुट गई फर्क पै गया ये मैंने भी पता इन्हें नहीं पता हूँ दोबारा फिर जोड़ने पर टुटी चीज़ बैल्ट करनी थोड़ा जोर लगता हूँ जी सा बरोड़ की संगत है जुड़ी हुई है पक्की ये हर ऐतवार को आते ही आते हैं इस करके इन्हों की तो आदत ही बन गई पक गया भी जाना ही अपना तो इस तरह वाहगुरु की कृपा है तो जदों भी साढ़े कोई समागम होंगे लाभ ले लिया करो तो आओ हूँ सारे प्रेमी शब्द पढ़ी है फिर गुरु चरणा चरदास होनी है तो जेडे प्रेमी संगतान लेके आए हैं बसा ट्रकों जो भी आए हैं कृपा करके भाई प्यार दे नाल ले जाओ काली ना करो जिमें जिमें लैके आए उत्थे प्यार नाल छड़ के भी आयो कोई मैंने लांभा ना आवे तो ये मेरी बेनती है कोई भी प्रेमी रास्ते भी जाने वेले जा आने वेले शरारत ना करो तो वाहेगुरु के हुक्म विच तुसी आए हो प्यार विच आओ शरदा विच आके आया करो आओ शब्द पढ़िए फिर स्वागती करिए सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात करमी आपो आपनी के नेड़ा के दूर इन्नी नाम ध्याया प्रेम जगत निहाल नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल वलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।